जो आग लगाने के बीच कोशिश किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा हिंदू मुस्लिम में आग लगाने का जो कोशिश किया जाता है, उसको आप कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इसके लिए हम तमाम लोगों को पहले धन्यवाद देता हूं। अब मैं मॉब लिंचिंग पे बोलना चाहता हूं कि 2014 से यह शुरू हुआ है हिंदुस्तान में। मॉब लिंचिंग 2014 से शुरू हुआ है हिंदुस्तान में और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ विरोध ही नहीं, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से ही, जिसकी सरकार है वो किसकी सरकार है, वो आरएसएस की सरकार है, तो भी हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। गंगा जमुना तहजीब को हम मिटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। और उनको भी हम कह देना चाहते हैं जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, नहीं जाओगे। आज आपको तबरेज के हत्यारे के बारे में मैं कह देना चाहता हूँ साफ साफ तरीके से कि तबरेज का जो हत्यारा है उसे फांसी होना चाहिए और फांसी से कुछ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं फांसी से और मैं यह भी कह देना चाहता हूँ वो जिस दल से है वो बीजेपी से है, वो आरएसएस से है, तो ऐसे आरएसएस के संगठनों को भी बंद कर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ यह लड़ाई मानवता की है और जंगल राज के बीच की है। हम मानवता के पक्षधर हैं, हम भाईचारा के पक्षधर हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं। वो जो दहशतगर्द है, दहशतगर्द कौन है? आरएसएस का लोग जो आज हिंदू और हिंदू और मुस्लिम की एकता पे चोट करना चाहता है। आजादी के समय भी ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे और आज यह पूंजीपतियों का तलवा चाट करके हिंदू मुस्लिम दलित पर अत्याचार करना, हिंदू मुसलमानों पर और दलितों पर अत्याचार करना चाहते हैं और केवल पूंजी वर्ग और केवल आरएसएस के लोगों को यह फायदा पहुंचाना चाहता, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और इसके लिए हम अपनी लड़ाई को तेज रखेंगे जब तक कि यह जो तबरेज है और ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें फांसी मिलना चाहिए। हम यही कहेंगे, एक नारा हम देंगे, आप लोग साथ दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान जिंदाबाद।